नागा बाबा खटाल स्थित सब्जी मंडी की महिलाओं ने जमकर नागा बाबा खटाल में ही धरना का प्रदर्शन किया। यह धरना इस बात को लेकर था कि उन्हें सब्जी बेचने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, न ही उन्हें नए सब्जी मार्केट में लॉटरी सिस्टम से जगह अलॉट किया जा रहा है। उनका साफ साफ कहना है कि लॉटरी सिस्टम से जिस हिसाब से जगह अलॉट हो रहा है, आधे लोगों को मिलता है, आधे लोगों को नहीं मिलता है दुकान, तो हम जैसे लोग कहां जाएं। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने दबी आवाज में हमें यहां तक कहा है कि अगर शौचालय बनवाने की क्या जरूरत है, आप लोग महिलाएं कोना में खड़े खड़े ही पेशाब कर ले। इस तरह की गंदे शैली का उपयोग हम पर किया गया है। इसके साथ ही पुलिस भी हमें प्रताड़ित करती है, बार बार आके परेशान करती है, कहती है इधर जाके लगाओ या उधर जाके लगाओ, यहाँ से हटो। तो हम जानना चाहते कि आखिर हम जाए कहाँ और करें क्या। आइए सुनते हैं शीला, मीना और सीता देवी ने द नेटवर्क से क्या कुछ कहा। सब्जी पूरा आया, इतना लॉकडाउन ने हम लोग पर डंडा लाठी मार के खा खा के हम लोग सब्जी पूरा आए। हम लोग कम अगर बेसी करके पुरावे किए, रात को जाग के रहते हैं, 8 बजे रात को जाते हैं, 10 बजे रात को, और 4 बजे भोर से उठ कर जाते हैं सब्जी लाने देहात बाजार, किसान लोग से लाते हैं, अब बेचते मेहनत करके, और आज हम लोग के नहीं मिलेगा तो अच्छा बात है। कितना साल से आप लोग यहाँ पे सब्जी लगा रहे हैं? हम लोग 30 साल से भी आती है, जब वो खटाल था ना, सेखन से हम लोग दुकानदारी कर रहे हैं। हाँ, हम लोग रोड में बैठते थे, गाय का गोबर था, कचरा था, सेखन से। हाँ, उतना दिन से हम लोग सब्जी बेच रहे हैं। आज हम लोग के पेशाब करता था, वही बोले का है से बोला वो कि पेशाब करता है औरत, खड़े खड़ा पेशाब करता का करता है, औरत जात का इज्जत होता है। सही बात है। आज कह दिया ये कि हेमंत सोरेन की हम सबको वह व्यवस्था है, इज्जत का साथ है सबको के आया था। कौन बोलेगा, हम लोग के अथी बोला था, जगह नहीं था अथी ना, वो अथी है से मन दाब के बोला था, वो सब नहीं बोला था, तो वो सब बात को हम लोग अथी कर देते हैं। वो ना लेटरिन ना बाथरूम कुछ नहीं था, सेकंड कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। कैसे जाते हैं आप लोग बाथरूम? बाथरूम ऐसे जाते हैं, बैठ जाते हैं पेशाब। सार्वजनिक जगह पे? हाँ हाँ, तभी दुकान नहीं दे रहा, सब चीज का व्यवस्था हो गया है महिला समिति का, महिला लोग का सरकार बना है, गैस बना है, जहाँ गाड़ी खड़ा हुआ उसका घुस के करते हैं सब उसको हम का करते हैं, इज्जत के बारे में का बोलेंगे बताइए आप लोग। ना यार, हम ही वोट दे, अभी अभी वो कर रहा है कि अभी दूसरा कोई बैठा देगा, हम लोग नहीं देगा दुकान। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग वो उद्घाटन हुआ था तो बोले थे कि हम लोग सब्जी मार्केट को देंगे, सब इतना जितना महिला लोग है, जितना पुरुष हो रहा है, सबको देंगे, तो देने खोज रहा था। अब अभी है 10x10 का 8x का दुकान दिया है, हम लोग देख के खुश हो गए कि हेमंत सोरेन आया है तो हम लोग अच्छा दुकान बना के दे रहा है कहके। अब है से हम लोग का अखन सर्वे हुआ है, उस सर्वे में आधा जन का नाम निकल रहा है, आधा आदमी का नहीं है, तो हम लोग नाम नहीं है, तो हम लोग के कैसे होगा से बताइए। आधा आदमी जाएगा, आधा आदमी रोवेगा, तो अच्छा बात है कि बुरा बात है बताइए आप लोग। फिर दुकान अभी यहाँ हाथी का दांत हो गया दिखाने के, कुछ हाँ के हाँ, तो उसको भी दुकान का दो भाग कर दिया है, तो हम लोग का 3 फीट का दुकान ने कैसे जिए खाएंगे, कैसे बच्चा लोग को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और कैसे हम लोग पेट के बड़ बीमारी कैसे करेंगे, का करेंगे से बताइए आप लोग। का नौकरी चाकरी है, हम लोग कान पर गंवार है बाबू, तो हम लोग के अगर नहीं देखिए, हम लोग रोड ने बेच रहे हैं, आता है पुलिस बोलता है हटाओ हटाओ, पीछे कर देते हैं, आगे कर देते हैं, रहिए सर क्या करेंगे, आके उल्टा देता है, कहाँ जाएंगे, तब कहा था कि उधर खटाल तरफ जाओ, तो बोलते हैं उधर नई जगह है सर, बेचने दीजिए। ठीक है, बेचते हैं, छुआ पुता के उसी ने पालते हैं, आज 16-20 साल से हम लोग बेच रहे हैं, और यहाँ बाहर बाहर लड़का लोग को, ठेला लोग को, सब एमपी को 1.5 लाख रुपया घूस दे दे के घूस रहा है यहाँ। हाँ नहीं, पुलिस तो पैसा नहीं मांगता है सर, पुलिस नहीं मांगता है हम लोग से पैसा, लेकिन बहुत परेशान कर रही है, तो उस परेशान के हम लोग अपना संभाल लेते हैं। चलिए भाई, हम लोग इससे जी खा रहे हैं, इससे सब कर रहे हैं, बच्चा पाल रहे हैं। हाँ तो भाई, जो हम लोग सब कोई उससे मिलजुल रहते हैं, आज के बाद क्या करेंगे सरकार, अगर नहीं सुनेगी तब आगे क्या
अब नहीं सुनेगी तो सरकार के बोलेंगे धरना दे के हम यही खाना बनाएंगे, यही रहेंगे, यही हम बच्चा पास पालेंगे, यही हम बच्चा के पढ़ाई लिखाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। और नहीं तो आप सीपी सिंह हम लोग के दीजिए बच्चा पढ़ाने के लिए, हम लोग के खाने के लिए बनाया था। इतना लोग यहाँ रातू रोड से लेके कचहरी, कचहरी से लेके महावीर चौक तक इतना दूर तक बजर गया है, वो सब देख के ना वो बाजार बनाया है तो काहे छोटा बनाया है। बाजार बनाना चाहिए, जो टाइस और मार्बल लगाया है उसको नहीं लगाता, खाली एथी लगा के छोड़ता है। लॉटरी सिस्टम किया है तो किसके लिए है, किस्मत किसी है, है? आज हम लोग 40 साल से यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, है? तो लॉटरी वाला काहे चलेगा, लॉटरी एकदम नहीं होना चाहिए। हम लोग के जितना है सब कोई के दुकान होना चाहिए, और नहीं तो हम लोग जहाँ है वही ठीक है। और अगर आज आप लोग का बात भी सुना जाता है तो क्या करेंगे आप लोग? तो हम लोग कहीं रहेंगे, हम लोग कहीं हाँ रोडन लगाएंगे। हाँ सरकार नहीं भगा रहा है, हम लोग कहीं लगाएंगे। हम लोग 35-36 साल से रोड में सब्जी बेच रहे हैं। जब भी आता था हम लोग बोलते थे कि हाँ वोट देना कह के, हम लोग वोट देते थे, वो जीत गया। अभी अभी हेमंत सोरेन, अभी हेमंत सोरेन है, 16 साल पहले जो सर्वे किया था उसमें भी हम लोग कोई आदमी आया कोई नहीं आया। लेडीज लोग का हजार को बीमारी रहता है, अगर वो नहीं आया उसका नहीं हुआ सर्वे, लेकिन हम लोग पहचानते हैं कि कौन नहीं आया नहीं आया है। तो सबको बोला है कि दुकान देंगे, तभी नया है पुराना है जितना है सब आदमी को जिन दुकान देगा, नहीं देगा तो आधा हम लोग जाएंगे और आधा नहीं जाएंगे तो कैसे हम लोग का बिक्री होगा, आधा खाएंगे आधा नहीं खाएंगे तो कैसे होगा बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।